गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साथियों एक एक करके हम अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चल रहे हैं बाल विकास की। इसके पहले हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम डाल दिया है, NEP 2020 को डाल दिया है। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या NCF 2005 कहा जाता है, यहाँ से साथियों आपका एक नंबर के प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो साथियों बिल्कुल बिना वीडियो को स्किप किए ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। भाई देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं, इसको NCF 2005 भी कहते हैं। क्या कहता है NCF? तो देखो, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया है ना, अर्थात NCERT द्वारा यह तैयार किया गया है, जो कि एक नवीन दस्तावेज है। ठीक है, इसे किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में NCF को बनाया गया था। भाई ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बना हुआ है, याद रखें। ठीक है, NCF 2005 किसकी अध्यक्षता में बना था? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये बना हुआ था। अब मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, इसका उद्देश्य है। ठीक है ना, इसका क्या उद्देश्य है कि बच्चों को जो शिक्षा है मातृभाषा में दिया जाए। ठीक है ना, अब मातृभाषा अर्थात जिस भाषा को बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। क्लियर है ना। चलो अब देखो NCF 2005 के थीम क्या है, भाई इसको भी देख लो और याद रखना इसको। तो शिक्षा बिना बोझ के, NCF 2005 का जो थीम है शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है ना। चलो अब इसका उद्भव कैसे हुआ, NCF बना कैसे? देखो NCF 2005 का जो उद्भव है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता और संस्कृति, तो उसी को देखकर उसी निबंध से ये NCF 2005 की उत्पत्ति हुई है। और NCF 2005 की उत्पत्ति हुई तो इनके जो अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है ना। और अब तक अर्थात साथियों अभी तक कितने NCF बन चुका है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन चुका है? तो देखो NCF 2075 बना था, उसके बाद NCF 1988, NCF 2000, NCF 2005, फिर NCF 2020। ठीक है ना भाई, ये चार और प्लस NCF 2005, अभी NEP 2020 जो कहते हैं ना भाई, न्यू करिकुलम न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है ना, ये 2020 अभी है और जो हम पढ़ रहे हैं वो पाँच और चार और है। ठीक है ना भाई, पाँच NCF अभी तक के बन चुका है भाई, याद रखेंगे इस चीज़ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना। चलो अब NCF 2005 के उद्देश्य क्या है उस पर आओ। देखो, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। देखो NCF क्या कहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, अब यहां सर्वांगीण से तात्पर्य है उसकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितने भी विकास आता है सामाजिक विकास, सभी विकास को समग्र रूप ही सर्वांगीण विकास है। ठीक है ना भाई। स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा मतलब बच्चों को स्कूल में तो शिक्षा मिले लेकिन वह उनके बाहरी जीवन से जुड़ा हुआ शिक्षा होना चाहिए, ये NCF का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या कहता है NCF? तो बालक के मूल्यांकन के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है। ठीक है ना भाई, CCE कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन, CCE पर जोर देती है। कौन? तो NCF। ठीक है, जिसमें नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन आदि विकसित होता है। ठीक है ना।
ये उद्देश्य हो गया इनके। अब इसके बाद आता है, अब देखो एनसीएफ के सिद्धांत में आते हैं, उद्देश्य हमने देख लिया है ना भाई। अब एनसीएफ के 5 सिद्धांत क्या क्या है देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, एनसीएफ के सिद्धांत ही 2D पॉइंट आपके एग्जाम्स में बनते हैं। देखो, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना लगातार बार बार, यही बिंदु आपके एग्जाम में आते हैं भाई, रट लो पछताते रह जाओगे, क्योंकि यही बिंदु है जो लगातार बार बार आ रहा है और आएगा भी, गारंटेड बात है भाई, हम हवा हवाई बात नहीं करते, इसको रट लो आप। एनसीएफ के जो सिद्धांत है वो आएगा ही, तो बिल्कुल ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना एनसीएफ के पहला सिद्धांत हो गया, रटन प्रणाली से मुक्ति दूसरा सिद्धांत, रट लो भाई एग्जाम में 100% पक्का है ये आएगा ही आएगा। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो बल्कि किस पर केंद्रित हो, बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित को अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है ना, तो बाल केंद्रित रट लो भाई। ये 5 जो सिद्धांत है, यकीन मानो 2 नंबर तो यहां से पक्के हो जाएंगे भाई, किसी न किसी रूप में ये प्रश्न बनेंगे ही, याद रखना। कक्षा कक्ष के गतिविधि से जोड़ना और लचीला बनाना, देखो कक्षा में जो गतिविधि चल रहा है उससे जोड़ना और जो शिक्षण व्यवस्था है उसको लचीला रखना, ठीक है ना। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल करना, है ना, राष्ट्र के जो महत्व है उन बिंदुओं को भी शामिल करना। तो यहाँ ये जो 3 बिंदु है, पहला दूसरा और तीसरा, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना साथियों, यकीन मानो ये दोनों तीनों आपके बिंदु आएंगे किसी न किसी उदाहरण के रूप में, ये तीनों बिंदु आपके एग्जाम में आएंगे भाई, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल आएंगे। चलो अब देखो एनसीएफ के पाठ्यक्रम पर हम बात करें, एनसीएफ के अनुसार पाठ्यक्रम होना कैसा चाहिए, ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और क्रम। अब पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। तो पाठ्यक्रम में जिसमें पढ़ने योग्य जो सामग्री एक निश्चित क्रम में होता है उसी को क्या बोलते हैं जी, पाठ्यक्रम बोलते हैं। अब अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, सिलेबस, रहता है ना, पाठ 1 कौवा, पाठ 2 कबूतर, पाठ 3 कुत्ता, रहता है ना भाई, तो बस ऐसी तो है ये क्रम। अब देखो यहां पर एक परिभाषा है, देखो फ्रोबेल ने क्या कहा था भाई, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, फ्रोबेल ने कहा है, याद रखेंगे इसको। चलो भाई अगला, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण भी यहां बताया गया है, तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, याद रखना। तो क्या है शिक्षक, शिक्षक एक सुगम करता या सुविधा दाता है, और यही प्रश्न आपका पूछा गया है लगातार 5-6 बार से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। शिक्षक क्या है, एनसीएफ ही कहता है भाई, शिक्षक एक सुविधा दाता है, एक सुगम करता, जिसे अंग्रेजी में फैसिलिटेटर बोलते हैं, ठीक है ना, इस बिंदु को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है भाई। चलो एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति अब दृष्टिकोण क्या है, अभी हमने तो देख लिया शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, अब देखो बालक के प्रति क्या दृष्टिकोण बनता है। देखो प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो स्पीड है अलग अलग होती है भाई, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीख जाता है ना, तो हर बच्चे के करिकुलम भी अलग होना चाहिए एनसीएफ कहता है, क्योंकि जैसे उनकी सीखने का दर है ना, उसके हिसाब से, उस हिसाब से जो उसका करिकुलम हो, अतः शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। देखो आप उनको जो आप चाहते हैं वो ना सीखे, बच्चा क्या चाहता है वो सीखे, ठीक है, यही कहता है एनसीएफ 2005, ठीक है भाई। चलो अब एनसीएफ के आधार पर गणित कैसा हो, गणित क्या होना चाहिए, तो बच्चे गणित की मूल संरचना को समझ रहे, जैसे बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, सभी के मूल तत्व जिसमें समस्या समाधान विश्लेषण अनुमान लगाना आदि के तरीकों को समझे, एनसीएफ यही कहता है गणित के संबंध में, ठीक है ना, तो समझ गए ना चीजों को।
तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों एनसीएफ 2005, और इसमें 2 से 3 नंबर बनेगा जी आपके। देखो केवल बाल विकास की बात मैं नहीं करता, गणित हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पर्यावरण हो, सभी विषय में एनसीएफ 2005 आता है और सभी विषय में ये प्रश्न आ सकता है भाई। 2 से 5 नंबर तक का ये प्रश्न बन सकता है सिर्फ एनसीएफ 2005 से, तो रट लेना, हर एक बिंदु याद होना चाहिए भाई, अदरवाइज पछताते रह जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में हम यही समाप्त करेंगे इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही दमदार धमाकेदार टॉपिक के साथ फिर से एक वीडियो लाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।